टुडे वी गोना टॉक अबाउट समथिंग जो कि आप लोग मुझसे काफी टाइम से पूछ रहे हो. वी गोना टॉक अबाउट आवर जर्नी. आवर जर्नी एक्चुअली नॉट माय जर्नी बट आवर जर्नी. जब फर्स्ट टाइम वो बॉम्बे गए थे वो ट्रेन में गए थे बिना टिकट के गए थे. वो सीट नहीं मिली थी तो वो नीचे बैठ के गए थे. आई थिंक तब मुझे पता चला कि कुछ तो रिश्ता है मेरा और कैमरा के साथ. मतलब हमारी स्कूलिंग लुधियाना से ही हुई थी. कृष्णा इज फेमसली नोन फॉर हर कैरेक्टर इन दैट शी प्लेड इन ये मोहब्बतें एज आलिया नागिन ऑफ कोर्स. उसके बाद फिर मेरे सर ने बोला दैट यू नो यू शुड गो टू दिल्ली यू शुड जॉइन डांस वर्क्स. एंड उस टाइम पे हंगामा टीवी का एक ऑडिशन आया था 2004-5. हाय गाइस दिस इज कृष्णा मुखर्जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. इन्हें तो आप जानते ही हैं. शी इज माय सिस्टर सारू डायपर्स एंड लिपस्टिक ऑन इंस्टाग्राम. दैट्स अ हैंडल्स नेम. एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट समथिंग जो कि आप लोग मुझसे काफी टाइम से पूछ रहे हो. बट देन आई वाज लाइक कि खुद की तारीफ कैसे करूं. So we're gonna talk about our journey. Our journey actually, not my journey, yeah. But our journey. हमारा बचपन and like even I wanted to do this video from so long. In fact, in 2019 we did do it for my Instagram. Back then जब IGTV होता था. Oh yes. So I made a IGTV video which came in two parts. So वहाँ पे हमने अपनी journey के बारे में थोड़ा share किया था. Yeah. बट इन यूट्यूब वी कैन टॉक इन डिटेल. तो दिल की बात करेंगे. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने स्कूलिंग से. मेरी लाल चादर. आई मीन माय ब्लैक टी. चीयर्स टू दिस पॉडकास्ट. आई वाज सेइंग कि आई नो बहुत लोग कृष्णा इज फेमसली नोन फॉर हर कैरेक्टर इन दैट शी प्लेड इन ये मोहब्बतें एज आलिया. एंड सब लोग उसको फेमसली उसी से जानते हैं नागिन ऑफ कोर्स. बट आई डोंट नो हाउ मच यू गाइस नो अबाउट हर. तो हम लोग एक्चुअली अपना बेसिक लाइक यू नो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन सो दैट दिस कैन बी अ वीडियो वेयर पीपल कैन गो टू नो अस लाइक वेयर आर वी फ्रॉम व्हाट डू वी डू. आई नो हम कुछ लोग जानते भी होंगे बट जो लोग नए हैं दिस वीडियो विल बी लाइक एन इंट्रोडक्शन फ्रॉम स्क्रैच अबाउट अस एंड आवर फैमिली. सो वी वर बॉर्न इन कलकत्ता and then brought up in Punjab, Ludhiana. उसके बाद हमारी सारी स्कूलिंग भी लुधियाना में ही हुई है. एंड देन कॉलेज तो मैं गई नहीं हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा शार्प थी मैं पढ़ाई में. एक्चुअली रूपा वॉज वेरी रूपा. ओके हर नेम इज सरू बट आई कॉल हर रूपा. सो मेरी फैमिली मुझे मतलब मेरा नेम जो है एक्चुअली सतरूपा है. मेरी फैमिली दे कॉल मी रूपा. एंड माई इन लॉज एंड लॉट ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स ऑन इंस्टा नोन एज सरू. या so she's gonna address me as Rupa. Rupa only because मैं इसको और कुछ नहीं बुला सकती. Exactly. So Rupa was very like still अभी भी बहुत ज़्यादा intelligent थी और मैं बचपन से बहुत ही ज़्यादा थोड़ी ढर types थी and I was very shy. It's not that you were not intelligent. Everyone has intelligence of their own way. हर किसी की अपनी intelligence होती. She was very creative. She is very creative. इसका जो creativity में दिमाग चलता है that I can't even think like that. मतलब चाहे वो होम डेकोर की बात कर लो या फैशन सेंस की बात कर लो ये भी एक इंटेलिजेंस ही है. आई मीन यू कांट बी क्रिएटिव इफ यू आर नॉट इंटेलिजेंट. बट बैक देन इतना वो नहीं पता था ना. हाँ टाइम एक्चुअली उस टाइम शायद थी. उस टाइम पे सिर्फ इंटेलिजेंस स्टडीज को माना जाता था. तो उस हिसाब से तो मैं भी इंटेलिजेंट नहीं थी बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी गुड इन स्टडीज ईदर. तो यू नेवर यूज्ड टू गो टू स्कूल बट यू वर इंटेलिजेंट. तेरे एग्जाम्स में अच्छे खासे मार्क्स आ जाते थे. अच्छे खासे नहीं आते थे ओके आते थे बट हाँ इट वाज समहाउ. या मेरे तो 33 नंबर आते थे मैथ्स में. तो मेरे भी 34 आए थे मैथ्स में 10th में. सॉरी. तो या वी वर सेइंग कि हाँ हम लोग हमारी स्कूलिंग लुधियाना से ही हुई थी. तो मेरे मॉम डैड जब हम लोग लुधियाना आए थे मैं 3 या 4 साल की थी और ये 1 साल 3 साल ऐसे ही थी. भी पापा ने अपना तब बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था. तो वो ही वॉज वर्किंग एट अ फैक्ट्री. ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड उन्होंने वहाँ से ग्रो किया अपने आप को. पर वो एक फैक्ट्री में काम करते थे तब. तो उस टाइम पे एज अ टेलर तो फाइनेंशियली हम लोग बहुत ही हम लोग लिटरली एक कमरे का हमारा जो वो था घर था एक रूम था उसको घर भी नहीं बोल सकते. एंड वहाँ पे 2 बच्चों के साथ वो लोग रह रहे थे. तो जो भी हमें
उनको ठीक लगा, उन्होंने वैसे स्कूल्स में हमें भेजा था. तो मैं अपना एक मतलब वो शेयर करना चाहती हूँ कि मतलब आई वॉज वेरी शाई एंड आई रिमेम्बर कुछ तो बहुत ही टफ टाइम चल रहा था हमारी फैमिली में, बहुत ज़्यादा बुरा टाइम बोलते हैं तो वो चल रहा था. एंड उस टाइम पे हंगामा टीवी का एक ऑडिशन आया था 2004-05 स्कूल में. हंगामा टीवी चैनल आज भी है. तो उसका जो फॉर्म है ना वो हमारे स्कूल में आया था कि इसके कुछ ऑडिशंस चल रहे हैं. तो एक्चुअली मैं वो फॉर्म अपने लिए लेके आई थी. बट आई वॉज नॉट फॉलिंग अंडर द एज क्राइटेरिया. तो मैं उससे एक या दो साल बड़ी थी. तो मैंने इसको बोला दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस. तो शी वॉज लाइक मैं नहीं कर सकती. अगेन शाई गर्ल. एंड एक्चुअली लोगों ने भी इतना बोल के वो कर दिया था कि अरे ये तो इससे तो कुछ नहीं होगा, ये तो बस शादी करके वो करेगी, ये तो इससे ना पढ़ाई होती है ना कुछ होता है. तो लोगों ने एक्चुअली वो आपके ऊपर वो कर दिया था. तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मैं कुछ नहीं कर सकती. बट शी यूज टू पुश मी. तो मतलब वो ऑडिशन दिया, शी फिल द फॉर्म, क्योंकि मुझे इतना कुछ आता नहीं था कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, कॉन्फिडेंस नहीं था वो. एग्जैक्टली. सो उसने मतलब रूपा ने मेरे लिए वो जो फॉर्म था वो फिलअप किया. एंड देन ऑडिशन का दिन आया, आई वॉज लाइक कि नहीं मुझे नहीं जाना. एंड आई स्टिल रिमेम्बर हम लोग स्कूटर पे गए थे रूपा यार. पापा के स्कूटर पे हम लोग गए थे. एंड आई वॉज लाइक कि नहीं मैं आगे नहीं खड़ी होंगी, मैं पीछे बैठूंगी. स्कूटर पे आगे खड़ी होती थी मैं. तो मैंने कहा कि नहीं मैं आगे नहीं खड़ी हूँ, मैं पीछे बैठूंगी. तो हम लोगों ने पीछे बैठे, पापा हमें लेके गए ऑडिशन के लिए वहाँ पे. एंड सम स्कूल वहाँ पे ऑडिशन चल रहा था. एंड वहाँ पे सारे बच्चे देखे मैंने, देखे और ज्यादा एंजाइटी सी हो गई. उस टाइम पे वैसे एंजाइटी का मतलब पता नहीं था एग्जैक्टली क्या होता था. आजकल एंजाइटी का मतलब पता चल गया तो फिर एंजाइटी ज्यादा होने लग गई है. सो एनीवे, तो मतलब आई डोंट नो, आई थिंक तब मुझे पता चला कि कुछ तो रिश्ता है मेरा और कैमरा के साथ. यू रिमेम्बर? ओ गॉड. फिर उसके बाद हमने वो फॉर्म फिलअप किया, ये ऑडिशन में गई. ऑडिशन में इसका अलग ही रूप, अलग ही, आई डोंट नो, लाइक वो एक बोलते ना कि वो स्विच ऑन ऑफ करना होता है, जो वो सडनली किसी, आई थिंक भगवान ने वो स्विच ऑन कर दिया. एंड वो कॉन्फिडेंस मेरा ऐसा आया, लाइक आई स्टिल रिमेम्बर जब मुझसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, डू यू बिलीव इन मैजिक. सो यू नो मेरा आंसर क्या था? आई वॉज लाइक कि किसी को गायब कर देना वो मैजिक, या किसी को हैरान कर देना वो मैजिक. लाइक मैं आज खुद से भी, एंड दे वर सो हैप्पी विद दैट आंसर. Exactly. कि मतलब यू नो वाओ, मतलब आई रिमेम्बर हर एक्सप्रेशन. किसी को गायब कर देने वाला मैजिक, ये सबको हैरान कर देने वाला मैजिक. आई मीन मतलब हमने वो इतनी बार देखा है. एंड शी वाज लुकिंग सो क्यूट, इसके इतने बाल थे, प्रिटी तो है ये. मतलब बस कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन वो भी आई थिंक कैमरा देखकर ना हाँ आ गया कॉन्फिडेंस. एंड आई रिमेम्बर मैंने सॉन्ग पे डांस भी किया था, कभी आर कभी पार लगा तीरे नजर. सो हंगामा टीवी का जो चैनल का ऑडिशन था, ये अलग अलग सिटीज में, 10 सिटीज अक्रॉस द कंट्री वहाँ हो रहा था. हर सिटी से एक बच्चा फाइनल में जाता. एंड ये एक साल का दे वर टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट. वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे विद दोज किड्स हु विल डिसाइड, जिनको यू टीवी विच इज लाइक अ बिग बिग प्रोडक्शन हाउस, वहां पर उनको बिठा के उनके ओपिनियंस की ये चैनल बच्चों का चैनल है, आप बताओ. चैनल विच वॉज लाइक यू नो यू रन बाय किड्स, फॉर किड्स, रन बाय किड्स. या तो इट वॉज लाइक सच अ ब्रिलियंट आइडिया, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट आया था. और तब रियलिटी टीवी बहुत ज्यादा चलती थी. एंड डू यू रिमेम्बर मैंने जाके बोला, हाय दिस इज कृष्णा मुखर्जी एंड यू आर वॉचिंग हंगामा टीवी चैनल, द अनलिमिटेड फन. हमने बनाया था ये. एग्जैक्टली. इमेजिन हम मतलब मैंने नहीं, इसने बनाया था. सो बट हाँ मतलब हम लोग तैयारी कर रहे थे कि कल ऑडिशन है, तो वहाँ जाके क्या क्या बोलना है, तो वो सब हम रेडी कर रहे थे. तो मैंने इसको ये टैगलाइन दी थी कि वहाँ जाके ये जरूर बोलना, यू नो, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. एंड शी सेड इट वेरी कॉन्फिडेंटली. सो नाउ दो दिन के बाद दे वर सपोज टू टेल अस वेदर शी हैज बीन शॉर्टलिस्टेड और नॉट, कि कौन कौन से बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं. आई थिंक 3 या 4 बच्चे शॉर्टलिस्ट होने थे. चार बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे लुधियाना से. हर सिटी से 4-4 बच्चे शॉर्टलिस्ट होके ग्रैंड फिनाले मुंबई में होना था. ओ गॉड, जिस दिन वो हमारे घर आए थे, रिमेम्बर लाइट नहीं थी. एग्जैक्टली. हम लोग पता नहीं कुछ तो
बहुत ही अजीब सा कुछ घर में हुआ था, कलेश ही कह लो कुछ टाइप वैसा. एंड कृष्णा शायद रोके हटी थी, मैं भी शायद रोके हटी थी. एंड रोके हम लोग सो गए थे, सो गए थे. लाइट नहीं थी घर में, लाइट गई हुई थी बहुत टाइम से. और बाहर से हमारी गली में शोर आता है कि अरे बाहर कुछ मीडिया वाले हैं. तो हम लोग ऐसे हो गए कि कौन मीडिया वाले आए हैं, लाइक यू नो. तो देन द पीपल केम कैमरा वगैरह लेके एकदम हमारे अंधेरे में घर में वो आए. कहते कि क्या बोला था फिर देन यू वांट टू टेल. हां सो दे वर लाइक कि वी आर रियली सॉरी कृष्णा. मैं सो रही थी उसको हमने उठाया अंदर. लाइक वी आर रियली सॉरी कृष्णा कि आपका यू नो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ. एंड देन मैं इतनी बेवकूफ थी. अगर सिलेक्शन नहीं होता तो घर पे क्यों आते वो लोग. एग्जैक्टली. एंड देन आई वाज सो सैड कि मतलब सब कुछ खराब तो चल ही रहा है और ये भी सब कुछ खराब हो गया. एंड देन आई वाज अबाउट टू क्राई एंड देन लाइक नहीं 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 डोंट क्राई आप जा रहे हो, आप हमारे साथ मुंबई जा रहे हो. एंड आई वाज सो हैप्पी, एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी कि चलो कोई तो एक खुशी की चीज आई घर पे, कोई तो एक बात. पापा इतना रोए, लाइक इट वाज. डैड इज वेरी इमोशनल. पापा तो वैसे ही बहुत इमोशनल है, ऐसी खुशी के आंसू निकल रहे थे उस टाइम पे और भी ज्यादा. उन्होंने हमारा घर पे पूरा ऑडिशन एज इन मतलब वो इंटरव्यू लिया कि हाउ वी आर फीलिंग एंड और वो सब दिखाया था टीवी पर. लाइक हाउ एम आई फीलिंग. और वहाँ पे मैंने फिर बोला कि यार क्रेश आई प्रिपेयर यू एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू नो यू आर सिलेक्टेड. उसके बाद हम मुंबई जाने वाले थे कुछ दिनों में. नहीं पाप दो टिकट्स मिली थी मेरी और पापा की. और मेरी तो कुंडी अड़ गई थी कि नहीं अगर जाऊंगी तो इसको लेके जाऊंगी. एंड वो हमारा अदरवाइज फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस भी था. या उससे पहले हम फ्लाइट में कभी बैठे थे उस टाइम पे. मतलब आई एम सो 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 ग्रेटफुल कि हमारे पास पैसे नहीं थे लेकिन पापा ने फिर भी टिकट करवाई हमारी. पापा ने टिकट कराई इसको. ऑब्वियसली ऑडिशन के लिए कपड़े उस हिसाब से लेके देने थे कि मुंबई जा रही है वो सब. कितनी सारी शॉपिंग की, शूज वगैरह खरीदे. आई रिमेम्बर यू बॉट योर फर्स्ट नाइकी शूज. या फर्स्ट नाइकी शूज मैंने रिमेम्बर वो एबनी कितना महंगा था. वो वहां से मैंने फर्स्ट कट ली थी और वो वन ऑफ शोल्डर टॉप लिया था. मैंने कितने सारे कपड़े लिए थे वहां से. देन आई आल्सो पापा ने मेरे लिए टिकट ली तो हम लोग मुंबई गए और वहां पे जाकर फर्स्ट टाइम पापा फ्लाइट में बैठे थे. यस हम सब. सो पापा जब फ्लाइट में बैठे थे पापा बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, बहुत ज्यादा रोए. क्योंकि वो उन्होंने मुझे कहा कि जब फर्स्ट टाइम वो बॉम्बे गए थे वो ट्रेन में गए थे बिना टिकट के गए थे, वो सीट नहीं मिली थी तो वो नीचे बैठ के गए थे. एंड सेकेंड टाइम जो हमारे साथ बॉम्बे गए थे तो वो फ्लाइट में गए थे. ही वॉज सो हैप्पी. मतलब उनकी शक्ल देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ बस यही चाहिए जिंदगी में. एंड वी वर स्टेइंग इन ट्यूलिप स्टार होटल. आई थिंक वो अब है नहीं है ना. इट इज देयर बट इट्स शट. मतलब कोई तो प्रॉब्लम नहीं है. इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट होटल. फाइव स्टार. अगर अगेन हमारा फर्स्ट फाइव स्टार एक्सपीरियंस. एंड हम ऐसे हो गए कि भाई इतने अच्छे होटल में फाइव स्टार होटल में रह रहा हूँ. एंड आई थिंक मैं तो तभी जीत गई थी. एग्जैक्टली. मैं तो तभी जीत गई थी जब पापा वॉज सो हैप्पी एंड ऑल. आई वॉज लाइक नहीं ठीक है. वी गॉट टू लर्न सो मच क्योंकि बच्चे स्पेशली जो दिल्ली बॉम्बे और पुणे और कोलकाता से जो आए थे दे वर सो कॉन्फिडेंट. एंड अगेन मतलब उस टाइम पे क्या है कॉन्फिडेंस का मतलब इफ यू अगर आप ढंग से इंग्लिश बोल सकते हो या तो यू आर नेचुरली कॉन्फिडेंट. या या या. एंड वहाँ और हम पंजाब बोर्ड से पढ़े हुए बच्चे. आई स्टिल रिमेम्बर जब नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग में जब हमें बुलाया था सुबह 6 बजे नीचे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया था. रेडी होके 6 बजे ब्रेकफास्ट के लिए वहाँ पे पूरा बुफे लगा हुआ था. And the moment I saw all the kids, मेरी पतली हो गई. क्या बोलते हैं हालत पतली हो गई. इसको इतनी anxiety घबराहट हो गई थी मुझे कि she was not eating anything. I was like I can't eat. प्यूकिश मुझे प्यूक कि मुझे प्यूकिश हो रहा है. मैं इसको बोलती थी कृष्णा प्लीज कुछ खा ले, ऐसे मत कर, डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस, तू कर लेगी तू कर लेगी. एंड ये लाइक मेरे से नहीं कुछ खाया जा रहा, मेरे से नहीं कुछ खाया जा रहा, लुक एट दीज किड्स, मैं तो नहीं जीतने वाली. एंड आई वाज लाइक मुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती, इनको देख के हाँ इंग्लिश बोल रहे हैं. और जैसे कैमरा मेरे सामने आ रहा है मैं ऐसे हो रही हूँ अगर मुझसे कुछ इंग्लिश में ऐसे कुछ पूछ रहे तो मुझे तो जवाब देना ही नहीं आएगा.
एंड देन आई रिमेम्बर जब उसके बाद हम लोग बस में जाके बैठे तो बस में ही मतलब हर दूसरे दूसरे जगह में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में लेके जा रहे थे, एक्टिविटीज करानी थी इनको और इसी में हमारा ऑडिशन था, दैट वाज आवर ऑडिशन की मतलब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना है एज अ किड एंड आप कितने कॉन्फिडेंस हो, ऑनेस्टली बस उसी का खेल था। तो पेरेंट्स नहीं जा सकते, सिर्फ बच्चे ही होंगे, देयर वर 40 किड्स और 40 में से वो 20 वो किए थे सिलेक्ट किए थे और मैं सबसे पीछे जाके बैठ गई थी बस में एंड देन रूपा वाज लाइक पीछे घबराना नहीं है, पीछे नहीं बैठना, यू हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, जितना कैमरा के सामने आएगी ये वो यू नो फुटेज आगे जाके बैठ, आगे जाके हाँ हाँ बैठ जाऊंगी, डोंट वरी डोंट वरी। उसके बाद ऑब्वियसली आई वाज सो एंशियस दैट टाइम कि शिट यार मतलब, और मतलब उनकी इंग्लिश मतलब ऐसा लग रहा था नेक्स्ट लेवल इंग्लिश, समझ ही नहीं आ रही थी कुछ इंग्लिश 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 हमारे घर में फास्ट इंग्लिश होती है। सो उसके बाद वो सब आ गए कैमरा मैन एंड ऑल, एवरीबडी वाज सो नाइस सो स्वीट, तो आपस में सब बातें बातें कर रहे थे। फिर वहां से एक लड़की आती है एंड शी इज लाइक एक्सक्यूज मी किड्स, रिचा सिंह गौतम उस टाइम पे मतलब शी वाज अ बिग शॉट, अभी भी होंगे डेफिनेटली, यस एंड शी वाज लाइक रिचा सिंह गौतम ने कहा है कि कोई भी बच्चा इंग्लिश में बात नहीं करेगा, सब हिंदी में बात करेंगे बिकॉज इट इज अ हिंदी चैनल एंड यू हैव नो आइडिया, मेरे खुशी के आंसू निकल रहे थे उस टाइम पे और मैं सीधा पीछे वाली सीट से सीधा आगे वाली सीट में आ गई कि अब तो तुम देखो अब हिंदी में बात करेंगे। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि यार बच्चों का कॉन्फिडेंस कहाँ से कहाँ चला जाता है यार, जस्ट बिकॉज ऑफ वन लैंग्वेज। मतलब यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि हंगामा टीवी की बात चल रही है और कोई बात हो नहीं रही है क्योंकि वो एक्सपीरियंस ही अपने आप में बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। मतलब मैं इन शॉर्ट में बता देती हूँ है ना, सो फर्स्ट हम लोग गए थे जिनी एंड जॉनी, उस टाइम पे नया नया खुला था बच्चों का जिनी एंड जॉनी में, वहां पे हमारा ऑडिशन लिया था तनुश्री दत्ता ने एंड शी वाज सो हैप्पी, शी वाज सो इम्प्रेस। मतलब कुछ भी कपड़े पिक करने हमें 2000 रुपए मिले थे उस टाइम पे, 2000 रुपए मिले थे कपड़े पिक करके, हमें रैंप वॉक करना था और बताना था कि हमने कपड़े क्यों पहने हैं एंड शी लव माय ऑडिशन। उसके बाद लिया था पलाश सेन ने, उसके बाद इफ यू रिमेम्बर चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, मतलब 90s किड्स रिलेट। या सो वो पूरा उनका जो आसमा ग्रुप जो पूरा बैंड था क्योंकि उस टाइम में बैंड का जमाना था, तो उन्होंने भी हमारा ऑडिशन लिया था। जल्दी से हमें एक कोरियोग्राफी सिखाई थी और उसमें डांस करना था और डांस में तो हम थे ही उस टाइम पे कमाल के। उसके बाद फिर रात को हमारा उसने लिया था ना ऑडिशन, लास्ट ऑडिशन कौन थे यार वो जो गोरे गोरे से थे जो जो एंकर जिन्होंने एंकरिंग की थी ना, बहुत फेमस एंकर थे उस जमाने में, आज भी होंगे यू गाइस वुड नो। एंड द फनीएस्ट थिंग इज कि उन्होंने मुझसे पूछा कि स्पोर्ट्स की बात हो रही थी और स्पोर्ट्स में तो हमें पता ही नहीं है कौन सा स्पोर्ट्स क्या है क्या नहीं, एंड दे आस्क्ड मी कि मतलब सबको पूछा कि आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है आपका, सब बोल रहे हैं बास्केटबॉल फुटबॉल एंड ऑल एंड आई वाज लाइक कि शिट अब मैं क्या बोलूं, एंड देन आई डोंट नो फॉर सम रीजन दिमाग में क्या है आई वाज लाइक WWE favorite sports ke hai WWE and everybody was like yes I like WWE so he was like kya acha usme kaun pasand hai, I was like John Cena, kehte kya karta John Cena and then main sabke samne I was like yo you can't see me I did this and they were laughing, they all were so happy, they were so happy and I was like acha kuch acha kar diya lagta hai maine galti se। uske baad fir grand finale tha, it was like a proper वहाँ पे इतना बड़ा ऑडिटोरियम में सब बैठे थे, लाइव वो चल रहा है जैसे अवार्ड शो चल रहा था, वो जब बाहर लाइन में लगे हुए थे और उसकी रोशन अब्बास उनकी आवाज आ रही थी और उनकी आवाज थोड़ी थोड़ी अमिताभ बच्चन जैसी लग रही थी, अमिताभ बच्चन आया क्या अंदर ने हमारी और भी ज्यादा हमारी एंग्जाइटी लेवल स्पीकिंग एंड आवाज से गूंज रही थी तो हमें लगा कि कुछ तो अंदर बहुत ज्यादा ऐसा कुछ होने वाला है, हो रहा है। यस कैन आई जॉइन द टॉक,
want to join the talk? Maybe you can sit. Okay, you can sit and you can listen to our conversation. Uske baad finally hum log andar gaye and there were so many people. Itte sare bacche. Main to Rupa ko dekh ke sun rahe. Matlab hamari she was so nervous ki Rupa. She was like if I win you have to give me a winning speech. Ab hamare upar cameras hain aur wahan pe pin drop silence hai. Ab mujhe ye pooch rahi hai. जो और भी बच्चे थे हर सिटी से एक बच्चा सिलेक्ट होना था. द अदर किड्स वर ऑल्सो वेरी गुड एंड वेरी कॉन्फिडेंट. जैसे हम वो लुधियाना का आ रहा था ना तो आई स्टिल रिमेम्बर पापा अपने पॉकेट में इतने छोटे एक कोम रखते थे. तो पापा अपने कोम कर रहे थे. मैंने कहा आप छोड़ो मुझे पहले दो. आई स्टार्टेड कॉमिंग माय हेयर और जैसे मैं अपने बाल कोम कर रही थी उन्होंने कैमरा घुमा दिया हमारे पे और मैं ऐसे हो गई. रिमेम्बर है? या उसके बाद समहाउ शी वन. यस एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. मेरी आंखों से ऐसे आंसू बह रहे थे एंड वो इतने सारे कैमरास मेरे मुंह पे लगा रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली यू नो व्हेन यू आर क्राइंग देन दे वांट टू कैप्चर इट एंड मुझे कुछ समझ में नहीं आता. आई वाज जस्ट सो हैप्पी. आई वाज सो हैप्पी. इट वाज कि मतलब एक कहां से हम कहां एक कॉन्टेस्ट जीत गए जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी हमें. एंड उसके बाद लाइक चलो मेरा तो छोड़ो लेकिन रूपा को कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आई वहां पे. दे ऑल वर लाइक फैन कि नहीं मतलब यू नो वी वांट टू टॉक टू योर सिस्टर आल्सो. व्हाई डोंट यू गाइस शिफ्ट हियर. दे वांटेड टू कास्ट बोथ ऑफ अस इन सम शो. राजीव चक्रवर्ती हू इज द सीईओ आई डोंट नो वीपी ऑफ यूटीवी उन्होंने मेरे डैड को अपना कार्ड दिया था. रिचा सिंह गौतम शी गेव हर कार्ड टू मी एट दैट टाइम. आई रिमेम्बर बाद में पता लगा कि ये लोग कौन है यार. मतलब लोग हर मूवी की हम एंडिंग देखते थे ना बड़ी बड़ी मूवीज की तो उनमें उनके नाम आते थे क्रिएटिव प्रोड्यूसर क्रिएटिव डायरेक्टर. हम ना उस टाइम पे तो हमें कुछ नहीं पता था ये लोग कौन है कौन नहीं. लाइक इमेजिन उनके यूटीवी ऑफिस में जाके उनके साथ मीटिंग्स होती थी हमारी. या तो ईयरली उसके बाद फॉर टू टाइम लाइक फॉर ट्वाइस अ ईयर दे यूज्ड टू कॉल देम टू मुंबई हैव दीज मीटिंग्स एंड एवरीथिंग अबाउट व्हाट डू दे फील अबाउट द चैनल. क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए कैसा शो बनना चाहिए. एंड इट वॉज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल फॉर देम क्योंकि हमें जो चाहिए होता है बच्चों को जो चाहिए होता है वो बहुत इजीली वो उसको बता देते हैं एंड उनको समझ में आता अच्छा ठीक है दिस इज व्हाट किड्स दे वांट राइट. कट टू उसके बाद आई गॉट मैरिड आफ्टर आई फिनिश माय कॉलेज एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगने लगा कि मे बी यू नो आई वाजंट रियली डेस्टिन्ड. हालांकि ड्रीम्स तो थे अंदर. मेरी शादी के बाद आई थिंक कृष्णा बिकॉज मेरी वजह से ना वो मेरे ऊपर इतना डिपेंडेंट थी हर जगह के हर जगह पे जाने के लिए कुछ भी करने के लिए. शी वॉज वेरी वेरी डिपेंडेंट ऑन मी. सो आफ्टर आई गॉट मैरिड शी हैड टू लाइक डू थिंग्स बाय हरसेल्फ. इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था. तो देन हर लाइफ स्टार्टेड चेंजिंग. उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ने लगा. शी ज्वाइन डांस क्लासेस. देन कृष्णा आई लुधियाना दिल्ली आ गई क्योंकि मैं आई गॉट मैरिड इन गुड़गांव. तो ये इसको आई यूज टू टेक क्लासेस डांस क्लासेस लेती थी मैं और मैं सुबह जाती थी क्लासेस लेने अर्ली मॉर्निंग और शाम को जाती थी. एंड ही यूज टू पे मी 1500 फॉर अ मंथ. और उसके बाद घर में आके यू रिमेम्बर वो बच्चों को डांस क्लासेस सिखाती थी. हाँ तूने वहाँ पे भी डांस सी शी चोज कि उसने कॉलेज नहीं जाना है बट दिस इज व्हाट शी वांट्स टू डू. आई मीन सो अमेजिंग यार. उसके बाद फिर मेरे सर ने बोला दैट यू नो यू शुड गो टू दिल्ली यू शुड जॉइन डांस वर्क्स. तो मैं आई गुड़गांव. मुझे ये था कि चलो मैं सिस्टर के पास रहूंगी. तो फर्स्ट टाइम मैं गई डांस वर्क्स एंड आई सॉ यहाँ के बच्चे एंड आई वाज लाइक व्हाट ये बच्चे यही कहाँ के बच्चे लगते हैं क्योंकि दिल्ली पढ़ाने आई थी या सीखने आई थी. मैं सीखने आई थी. अच्छा. सीखने के साथ साथ मतलब आई वाज गुड मतलब मैं जल्दी सीख जाती हूँ. और दे लाइक माय डांसिंग एंड ऑल फ्लेक्सिबल थी. विद इन अ मंथ और टू मैं साथ में सिखाने भी लग गई थी.
So, and I think after 3 months, I was doing shows in Kingdom of Dreams. Yeah. Jhumru, jo dance works ka tha. तो वहाँ पे मैं लाइव शोज करती थी एंड वहाँ पे लाइव शो के पर शो के मुझे 250 रुपीस मिलते थे. लेकिन यहाँ पे डांस वर्क्स पे मुझे लोगों ने बहुत बुली किया. रियली? या सो फॉर माय इंग्लिश बहुत ज़्यादा करते थे. दे यूज़ टू बी लाइक हाँ तुम वहाँ पीछे ऐसे खड़ी हो जाओ, तुम ये कर लो वो कर लो. वन डे लाइक रैंडमली मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि चल मेरे साथ ऑडिशन देने जाएगी. एंड देन आई वाज लाइक नहीं, ये ऑडिशन एक्टिंग मुझसे नहीं होती, ये डांस तक ठीक है. मुझे कोरियोग्राफर बनना था बहुत बड़ा. ओह या, आई वांटेड टू बी अ कोरियोग्राफर. सो देन आई वाज लाइक अरे कोई बात नहीं, तू आ जा, चल कंपनी दे दे, तू आ जा बैठ ही रहना वहां पे. डेस्टिनी. एंड देन जो ऑडिशन ले रहे थे, आई वाज लाइक तुम भी ऑडिशन के लिए आए हो? आई वाज लाइक नो, ना बाल बनाए ना मेकअप किया, मेकअप का एम तक नहीं आता था मुझे. एंड देन आई वाज लाइक ऑडिशन दोगी? आई वाज लाइक नहीं मुझे एक्टिंग नहीं आती. कहता मैं करवा लूंगा तू आ जा. आई वाज लाइक चलो ठीक है. तो उसने मुझे कुर्सी में बिठाया एंड देन ही वाज लाइक कि अच्छा सामने से ना तुम्हारी फेवरेट कार जा रही है तो तुम देखो रिएक्शन. एंड आई वाज लाइक वाओ ये ऐसे किया. फिर उसने एक दो चीजें और बोली, मैंने रिएक्शन दिया. आई वाज लाइक चलो ठीक है मैं आपको बताता हूँ. ठीक है. मैं क्या क्या बकवास है, बस हाँ हूँ कर दिया, मेरा ऑडिशन हो जाएगा क्या? आफ्टर 2 डेज दे कॉल्ड मी कि आपका जो ऑडिशन है, आपका सिलेक्शन हो गया है. नेक्स्ट वीक आप गोवा जा रहे हो शूट के लिए फॉर 4 डेज. ओह दैट वन. यस. एंड गोवा जाना मतलब लिटरली इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी गोवा. क्योंकि मुझे पता है जब रूपा अपनी हनीमून के लिए गोवा गई थी, मैं कितना सड़ रही थी, फोड़ रही थी कि मुझे किन्हें लेके गए. वहां पे गई, 4 दिन रही, स्विफ्ट का शूट था, इतना मजा आया, इतना ज्यादा मजा आया. ओप्स लाइट चली गई. मुझे कुछ नहीं दिख रहा बहन, टॉर्च ला.